एवरीवन, माय नेम इज अमोल मोरे एंड वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन बाय अमोल मोरे। नाउ आज हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल सम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर से सॉल्व करने वाले हैं। यह क्वेश्चन ब्लैक बुक से लिया गया है और ये बहुत ही अच्छा सम है, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले चलिए थोड़ा गाना बजाना कर लेते हैं। रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं सम। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, द इक्वेशन दिस हैज फोर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब ये जो अपना इक्वेशन है इसके कितने रूट्स है, बॉस? चार है, और चारों के चारों रूट्स जो है ना वो अलग रूट्स है, राइट? ओके, रूट्स क्या है, x1 x2 x3 x4, ओके, सच दैट x1 इज लेसर एंड x4 इज ग्रेटर। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज यूनिटी, देन x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x2 x4 प्लस x3 x4, इसका वैल्यू हमें ढूंढ निकालना है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बेसिक फंडा समझ लेते हैं। रेस टू 4 वाली इक्वेशन आपको कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है, ये है रेस टू 4 वाली आपकी इक्वेशन, ओके। इसके चार रूट होते हैं, तो चारों रूट हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ऐसे इसके चार रूट से। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या आएगा, बी अपॉन ए, शुरू होगा माइनस से। फिर आता है यहां पे एक एक लिए ना हमने, अभी हम दो दो लेंगे, अल्फा बीटा अल्फा गामा एंड अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा बीटा डेल्टा और फिर गामा डेल्टा, यहां पे हमने दो दो लिए। तो बी के आगे देखो सी है, तो ये आएगा सी बाय ए, यहां पे माइनस था तो यहां पे प्लस। अभी हम तीन तीन लेंगे, अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा डेल्टा, ओके, इतना हो गया अपना, फिर अल्फा बीटा डेल्टा और फिर बीटा गामा डेल्टा, यहां पे तीन तीन लोगों को प्रोडक्ट करके ऐड कर लिया। तो सी के आगे देखो डी है, तो यहां पे डी बाय ए आएगा, बट ये माइनस हो गया, फिर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो अभी ये माइनस आएगा। और लास्ट वाले में हम चारों को एक साथ ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू ई बाय ए, देखो लास्ट में ई है, तो माइनस प्लस माइनस और ये प्लस आएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए, तो आप ये सम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो अभी उन्होंने क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज यूनिटी, वाह, ठीक है। तो कोई भी दो रूट्स ले लेते हैं, अल्फा और बीटा, इनका प्रोडक्ट इन्होंने यूनिटी दिया है, तो अल्फा बीटा कितना आएगा बॉस, 1 आएगा, ठीक है। अभी ये सम हम लिख लेते हैं और फिर इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो सम क्या है, एक्स रेज टू 4, सम देखिए अपना क्या है, एक्स रेज टू 4, थोड़ा पीछे जाके देख लेता हूं, -2 -3 +4, ठीक है, -2 -3 +4 और -1 = 0, एक बार चेक कर लेता हूं, मुझे कोई मिस्टेक नहीं करने है, 1 -2 -3 -4 -1, ठीक है। अभी इसके चार रूट से, तो सबसे पहली चीज आप क्या कीजिए, ये याद रख लीजिए कि अल्फा बीटा 1 है, तो चारों का प्रोडक्ट अगर ले लिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो वो क्या आता है बॉस, ई बाय ए, सही बात है, यहां पे देख लो एक बार, ई बाय ए, तो यहां पे भी आ गया ई बाय ए, बट ई अपना क्या है, -1 और ए अपना क्या है, 1 एक्स रेस टू 4 का कोएफिशिएंट, तो वह -1 आ गया। अल्फा बीटा की जगह पे भी 1 डाल दो, तो 1 × γ × δ - 1 आ गया, इसका मतलब आपका γ × δ आ गया -1, देखिए कितना प्यारा सम है, γ × δ आ गया -1, बड़ा ही मस्त सम है, ठीक है। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और जहां पे हमने तीन तीन लोग लिए थे ना, वो वाला पार्ट हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं ना अलग ही पेज ले लेता हूं, बिकॉज थोड़ा मुश्किल है वो। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा डेल्टा ये लिया था तीन तीन वालों में, और हमने क्या लिया था, देखो ऐसा होता है, अल्फा गामा डेल्टा अल्फा बीटा डेल्टा और बीटा गामा डेल्टा, यस आ गया। इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे, तीन तीन वालों के लिए -d/a आंसर है, तो वो भी मैं लिख लेता हूं, राइट। तो ये यहां पे मैंने -d/a लिख लिया, देखो, ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते वक्त देखिए हमें क्या देखना है,
यहाँ पे ये और ये, इसमें से अल्फा बीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा गामा प्लस डेल्टा। ये और ये, इसमें से गामा डेल्टा कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, डी का वैल्यू देख ले, तो ये ए बी सी डी, डी का वैल्यू -4, तो ये -4/1। सही है, देखिए डी का वैल्यू क्या था, 4 था, तो माइनस डी की वजह से -4 हो गया। क्या आपको ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? सही है, ओके। तो ये इतना पार्ट अपने को आ गया है। ठीक है, और अपने को क्या आया था, अल्फा बीटा 1 था एंड गामा डेल्टा अपना आया था -1। अभी इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा देखना। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, एक रूट अल्फा है तो बीटा तुम्हारा 1/अल्फा हो गया। सही है, और एक रूट गामा है तो तुम्हारा डेल्टा क्या हो गया, -1/गामा। ये मैं बोल सकता हूं ना, बिकॉज बीटा आ रहा है 1/अल्फा और डेल्टा आ रहा है -1/गामा। आई थिंक एवरीबडी गॉट दिस। तो ये अपने 4 रूट हो गए, ये अल्फा तो अल्फा ही है, ये बीटा है, ये तो गामा है, और ये अपना डेल्टा है। तो बीटा और गामा अपने को अल्फा और गामा, बीटा और डेल्टा अपने को अल्फा और गामा के रूप में मिल गए। तो अभी दो ही अननोन है अपने पास बेसिकली। ठीक है, आई होप यू गॉट दैट। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, ये अल्फा बीटा की जगह है ना 1 डाल देता हूं, तो ये आएगा गामा प्लस डेल्टा, और ये गामा डेल्टा की जगह -1 डालता हूं, तो -1 डालते ही ये क्या आएगा, -α+β=-4। ठीक है, अभी गामा इधर लिखा और डेल्टा की जगह -1/γ लिखा, ओके, एंड अल्फा लिखा और बीटा की जगह 1/α लिखा, तो ये -4। तो ये दो वेरिएबल हो गए और एक इक्वेशन हो गई। दो वेरिएबल कौन से है बेटा, एक है अल्फा और एक है गामा। अपने को मांगता है और एक इक्वेशन, वो तो हम ढूंढ लेंगे, कोई टेंशन की बात तो नहीं है वैसे। ठीक है, तो अभी वो कैसे ढूंढेंगे, तो चलिए और एक पेज ऐड करता हूं। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -B/A आता है। सही बात है, -B कितना है, -2, तो --2 + 2 हो जाएगा बॉस, ये आ गया +2/1। अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस गामा और डेल्टा क्या होता है, -1/गामा। ये हो गया दूसरा इक्वेशन, राइट बात बोल रहे हो बॉस, देखो जरा ध्यान से। और ये यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या था, अल्फा प्लस 1/अल्फा था एंड गामा -1/गामा था। तो हम एक काम करते हैं, एक के नीचे एक लिख लेते हैं ना, -α+1/α और क्या लिखना था मुझे, γ-1/γ प्लस में, ठीक है, प्लस में γ-1/γ इक्वल टू कितना आया है देख ले, इक्वल टू आया है -4। अभी कैसा है ये सॉल्व करना, थोड़ा आपको मुश्किल जाएगा, तो आप एक काम कर लो, अल्फा प्लस 1/α को पी ले लो और γ-1/γ को क्यू ले लो, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। पी प्लस क्यू 2 आया एंड -P+Q कितना आया बॉस, -4 आया। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो P कटेगा और 2Q बटेगा, ठीक है, तो ये -2, तो आपका Q कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, आपका Q आ गया -1, तो P-1=2 आया, तो आपका P आ गया 3। ठीक है, तो आपको Q मिल गया -1 और P मिल गया 3, ओके। तो आपका P क्या था, तो P था अल्फा प्लस 1/α, तो अल्फा प्लस 1/α 3 आया है, तो वो भी लिख देता हूं, अल्फा प्लस 1/α 3। इसको सॉल्व करना कतई आसान है, ये क्या हो जाएगा, α²-3α+1=0। तो इसको तो बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, -B±√B²-4AC/2A। तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, तो ये आ रहा है 3±√5/2। इसका मतलब इधर दो वैल्यूज आई ना, तो आपका एक अल्फा रहेगा और एक क्या रहेगा बेटा, बीटा रहेगा। इतना तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि आपको पता है, बिकॉज ये एडवांस लेवल का सम है। एक वैल्यू अल्फा का आता है और एक वैल्यू बीटा का आता है। जैसे एक वैल्यू को आप अल्फा बोलते हो, दूसरा वैल्यू बीटा हो जाता है, एक वैल्यू को बीटा बोलते हो, दूसरा वैल्यू अल्फा हो जाता है। इट्स सो इजी, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, P का क्यू का वैल्यू -1 है,
ठीक है, तो क्यू का वैल्यू -1 है, मतलब गामा -1/गामा -1। एक बार चेक कर लेता हूँ, छोटी सी मिस्टेक, बहुत भारी पड़ेगी वरना। ठीक है, गामा स्क्वायर प्लस गामा -1 = 0। यहाँ पे मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, यहाँ पे मैंने गामा से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स। ठीक है, ओके, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है -1 ± √B² - 4AC / 2। सही बात है, तो ये आ रहा है -1 ± √5/2। सही है, तो यहाँ पे देखिए आपका एक हो जाएगा गामा, तो मैं माइनस वाले को सपोज गामा ले लेता हूँ और प्लस वाले को सपोज डेल्टा ले लेता हूँ। तो इस तरह से आपको चारों रूट देखो मजे में मिल गए, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, गामा मिल गया, डेल्टा मिल गया, मजे ही मजे। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब हमें चार रूट्स मिल गए। अभी वो लोग क्या पूछ रहे वो देखते हैं। वो लोग बोल रहे कि X1 सबसे छोटा है एंड X4 सबसे बड़ा है। भाई भाई ये तो और भी संकट में डाल दिए। तो देखते हैं कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। तो बड़े ध्यान से देखो, पूरा पूरा नेगेटिव कौन सा है, गामा पूरा पूरा नेगेटिव है ना, बाकी किसी में पूरा पूरा नेगेटिव नहीं है। गामा ये एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, -1 - √5 को आप 2.24 पकड़ लो, तो -1 - √2.24/2 ये पूरा नेगेटिव आ रहा है, और बाकी कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आ रहा। तो गामा अपना X1 है, तो मैं क्या करता हूँ X1 को बोल देता हूँ -1 - √5/2। तो यहाँ पे मैंने X1 को बोल दिया -1 - √5/2। ठीक है, अभी X2 क्या है, -1 - √5/2 से थोड़ा बड़ा, X3 उससे बड़ा। ठीक है, एक काम करते हैं, डायरेक्ट X4 लिख ले। X4 आपको देखो डायरेक्टली दिख रहा है, 3 + √5 से बड़ा नंबर यहाँ पे है ही नहीं, तो 3 + √5/2 आपका X4 हो जाएगा। X4 हो गया 3 + √5/2, समझ रहे हो बात को, बिकॉज 3 + 2.24/2 सबसे बड़ा नंबर है। अभी X2 X3 डिसाइड करना बड़ा ही आसान है। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 3 - चलो मैं ये लिख देता हूँ, फिर आप डिसाइड करना कि कौन सा बड़ा है। 3 - √5/2 एंड -1 + √5/2 ये आपको डिसाइड करना है बॉस, -1 + √5। ठीक है, सही बात है। तो 3 - √5 आप करेंगे तो 3 - 2.24/2 करेंगे, और ये करेंगे -1 + 2.24/2। ठीक है, मैं रूट फाइव का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ, तो उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना कि यही क्यों लिया है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0.76/2 आ रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 1.14/2 आ रहा है। तो ये तो काम ही खत्म हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली 0.38 आ रहा है और ये अप्रोक्सीमेटली 0.57 आ रहा है। इसका मतलब क्या बॉस, इन दोनों में से छोटा कौन है, 3 - √5, काम ही खत्म। तो 3 - √5/2 छोटा है, मतलब वो X2 हो गया। सही बात है, तो मेरे को X2 भी मिल गया। क्या मिला बॉस, 3 - √5/2, और X3 मेरे को क्या मिला, -1 + √5/2 मिला। ठीक है, इस तरह से अपने को सारी वैल्यूज मिल गई। अभी देखते हैं उन लोगों ने पूछा क्या है, उन लोग भी बड़े नटखट है, कुछ भी पूछते हैं। ठीक है, देखते हैं तो उन्होंने क्या पूछा रहेगा, X1 X2 X1 X3 X2 X4 X3 X4। अरे बाप रे, ये तो बहुत तो कुछ पूछ लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। X1 X2 + X1 X3 है, और फिर X2 X4 और X3 X4। चलो मैं लिख लेता हूँ, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा इसमें है ना कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ और फिर अपन लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेज ऐड करता हूँ, X1 X2, ठीक है, प्लस मैं देखने वाला हूँ, बिकॉज एक छोटी सी मिस्टेक भी है ना पूरे सम का मेहनत खराब कर देगी। और क्या है बेटा, X1 X3, ठीक है, X1 X3 है, X1 X3, और फिर X2 X4 था मेरे हिसाब से, और उसके बाद X3 X4 था। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी, क्योंकि आगे तो सम आसान है, अपने को वैल्यूज तो मिल गई है सारी, X2 X4 X3 X4। ठीक है, वैल्यूज मिल गई है। ओके, अभी देखिए कि क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो आपको देखना है कि अपने को क्या क्या ये सारी वैल्यूज बेटा पता है। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज पता है। ओके, अगर पहले दोनों में देखोगे तो X2 और X3, ठीक है, ये X2 है और ये X3 है, ये पता है हमें। तो पहले दोनों में क्यों ना हम X1 कॉमन ले लें, तो ये X2 + X3 हो जाएगा, और दूसरे दोनों में क्यों ना हम
एक्स फोर कॉमन ले ले तो एक्स टू प्लस एक्स थ्री हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें भी देखो एक्स टू प्लस एक्स थ्री जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया एक्स टू प्लस एक्स थ्री और ये हो गया एक्स वन प्लस एक्स फोर। ठीक है, ये दोनों कॉमन आ गए। ठीक है, एक्स टू की जगह एक्स टू डाल देंगे। एक्स टू क्या है, थ्री माइनस रूट फाइव बाय टू, थ्री माइनस रूट फाइव बाय टू। और एक्स थ्री क्या है, तो एक्स थ्री मैंने लिख के रखा है माइनस वन प्लस रूट फाइव बाय टू, तो माइनस वन प्लस रूट फाइव बाय टू, सही बात है। फिर एक्स वन क्या है देखते हैं, एक्स वन है माइनस वन माइनस रूट फाइव बाय टू, माइनस वन माइनस रूट फाइव बाय टू। प्लस एक्स फोर क्या है देखते हैं, एक्स फोर क्या है, थ्री प्लस रूट फाइव बाय टू, तो ये हो गया थ्री प्लस रूट फाइव बाय टू। ठीक है, अभी हम सॉल्व करने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूट फाइव तो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, थ्री माइनस वन टू आएगा, टू अपॉन टू वन आएगा, पहला ब्रैकेट वन आ गया, वेरी गुड। फिर यहाँ पे देखिए रूट फाइव तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन प्लस थ्री कितना आ रहा है, टू आ रहा है, और टू अपॉन टू वन आ रहा है, मतलब ये आ गया बेसिकली वन इंटू वन विच इज वन। ओके, तो देखते हैं अगर अपना लक अच्छा रहेगा तो ऑप्शन से मैच हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, तो ऑप्शन में ऑप्शन बी मैच हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जहां पे ये सारों का प्रोडक्ट आ रहा है वन। देखिए मैंने आपको कैसे समझाया है ये सब, यहाँ पे मैंने एक रेस टू फोर वाली इक्वेशन के वन रूट एट अ टाइम, टू रूट एट अ टाइम, थ्री रूट एट अ टाइम, ऑल रूट एट अ टाइम का प्रोडक्ट बताया है, प्रोडक्ट समेशन। ठीक है, माइनस प्लस माइनस करते जाना है, देखो इंडिविजुअल में माइनस है, डबल में प्लस है, ट्रिपल में माइनस है और ऑल में प्लस है। फिर वो कंडीशन अप्लाई करके मैंने अल्फा बीटा वन लिया, गामा डेल्टा माइनस वन लिया, और उसके बाद मेरे को दो इक्वेशन चाहिए थी, तो बीटा को वन बाय अल्फा किया और डेल्टा को माइनस वन बाय गामा, तो ये एक इक्वेशन मिल गई और ये एक इक्वेशन मिल गई। और एक चीज, यहाँ पे ये तीन वाला कंडीशन है ना, हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल होता है, अल्फा बीटा कॉमन ले लो, गामा प्लस डेल्टा, गामा डेल्टा कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और फिर इस तरह से हमें पी क्यू मिला, पी क्यू का इस्तेमाल करके अल्फा बीटा गामा डेल्टा मिला। फिर हमने डिसाइड किया कौन एक्स वन है, कौन एक्स टू है, कौन एक्स थ्री है, कौन एक्स फोर है, बिकॉज एक्स वन सबसे छोटा था, एक्स फोर सबसे बड़ा था। फिर यहाँ पे भी मैंने फैक्टोराइजेशन किया और फैक्टोराइजेशन करके बड़ी ही आसानी से अपना आंसर वन आ गया है। तो आई होप आपको ये सम बड़ा ही पसंद आया रहेगा, और ये जो मेरा एफर्ट है ये इतना एडवांस लेवल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने का, वो भी आपको पसंद आया रहेगा। अगर आया है तो जरूर अपने वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है और कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस अ फैमिली ऑफ 700 सब्सक्राइबर्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे विथ न्यूमरस क्वेश्चंस ऑफ जेडब्ल्यू एडवांस्ड एंड मेनी मैथमेटिकल लॉजिकल क्वेश्चंस। ये सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड आपने जितना प्यार दिया है सॉल्यूशन बाय अमोल मोरे चैनल को, उसके लिए मैं वापस एक बार आपको धन्यवाद कहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ न्यू मैथ सम एंड विथ न्यू वीडियो। दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू। आई होप गाने बजाने ने आपका मूड बहुत सेट